हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है। आप देखें यूट्यूब चैनल मिरेकुलस ट्रेडिंग। उस सर हम बात कर रहे थे, मैं आज क्या बात करूँगा, किस तरीके से आप फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट टूल है, इसके द्वारा आप अपने लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं और साथ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के द्वारा। तो ये सर हम लोग आज जितने भी स्विंग ट्रेड हम किस टाइप से इसे प्लान कर सकते हैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम लोग फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट टूल ऑन कर देंगे और यहाँ से एक स्विंग लो और स्विंग हाई हम लोग मार्क करेंगे। तो हमारा एक पहला जो ट्रेड है इस तरह से बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मार्क किया, एक लेवल फाइंड आउट हुआ है। तो ये मेरे में ये जो कब देख सकते हैं इस ट्रेडमेंट टूल के अंदर 0.5 का जो लेवल है हमारा ये वाला, तो मुझे क्या हो रहा है, वन लाइन दिखाई दे रही है। तो आपके में ये टूल कैसे ये दिखाई देगा, आपको जो टूल होगा इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। ये तो मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको दिखेगा टेम्पलेट के अंदर जाने के डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट टूल है हमारा ये आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। इसमें जो टूल दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा आपको ये जब आप ड्रॉ करेंगे। तो ये जितना भी जो है मेरे में सिंगल लाइन आ रही थी, अब कैसे होगा, आपको क्या करना है, इस टूल के अंदर ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, क्लिक करना है सेटिंग पे। आपको जितने भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं ये सभी को हम क्या करेंगे, अनमार्क कर देंगे और एक छोड़ देंगे यहाँ से 0.5 का ही लेवल रहने देंगे और बाकी सबको हटा देंगे। आप बैकग्राउंड रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं 0.5 का लेवल हमारे पास आ चुका है। तो हमारा ये गोल्डन रेशियो होता है हमारा ये फिबोनाची टूल का, तीन जो होते हैं इसके लेवल्स वो गोल्डन रेशियो होते हैं, 0.5 0.1618 वाला। तो सबसे पहले हम लोग जब से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं 0.5 का लेवल ही है, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, दोबारा करते हैं यहाँ से स्विंग लो टू स्विंग हाई हम मार्क करने वाले। जैसे ही मैं मार्क करूँगा यहाँ से यहाँ तक का लेवल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेवल दिखाई दे रहा है 0.5 का ग्रीन वाला। अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 11 लेवल जो हम क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने लेवल ड्रॉ किया यहाँ पर। तो आप जैसे कि लेवल मेरा यहाँ से यहाँ तक का निकला, तो अगर आप देख सकते हैं, मैं इसको फिबोनाची टूल हटा देता हूँ यहाँ से। अगर आप देख सकते हैं मेरे चार्ट पे क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेते इस लेवल पे, पहले आप देखें यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, जैसे ही सपोर्ट लिया यहाँ पर आप लेते मार्केट, जो तुम्हारा लाभ का जो टारगेट होता है यहाँ तक आपको मिल जाता, ठीक है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लेना। जैसे ही सपोर्ट लेगा, ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पर, बुलिश कैंडल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडल बनेगी, तभी आप एक कोई ट्रेड प्लान करेंगे। तो आप जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का फिर से आपको प्लान कर सकते थे, आप यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाता 730 तक का प्लान कर सकते हैं आप टारगेट के लिए। तो क्या करते हैं इसे रीटेस्ट, आपको कभी प्लान करना है क्या करना है, आपको जैसे भी प्लान करना है तो रीटेस्ट पे करेंगे। रीटेस्ट पे ब्लूइश कैंडल बन रही है, क्या हुआ देखो, मार्केट पर रेड कैंडल बन रही थी, उसके बाद में दोबारा उन्होंने वायर्स ने पुश करके उसे यहाँ पर बिग फॉर्म हुई है बहुत ही धीरे, और यहाँ पर क्लोज हुआ है कैंडल ऊपर की साइड को ही, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, यहाँ ट्रेड ले सकते थे, हमारा ट्रेड यहाँ ट्रेड मिल रहा था, एक यहाँ ट्रेड मिल सकता था, एक हमारा ट्रेड यहाँ बन रहा था, ठीक है। तो आप दोनों तरफ टारगेट ले सकते थे, यहाँ तक यहाँ का टारगेट आपको मिल जाता, बड़े आसानी से मिल जाता, ठीक है। ओके, तो आप हम ले गए बैक टेस्ट करते हैं इसको एक बार दूसरे स्टॉक के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैं इसे बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैं लेवल को पहले रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से बैक टेस्ट करके, अगर हम लोग यहाँ से स्विंग लेते हैं, यहाँ का हाई स्विंग मार्क करते, तो मैं क्या करूँ, दोबारा लेता हूँ यहाँ से स्विंग लो टू स्विंग हाई लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक सपोर्ट लेवल फाउंड हो रहा है हमारा ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्विंग ये वाला लेवल, अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती इस लेवल पे, तो हम क्या करते एक और ट्रेड प्लान कर सकते थे, स्विंग ट्रेड काफ़ी दिन के लिए यहाँ तक के टारगेट के लिए। टारगेट हमारा क्या बनेगा, टारगेट ये बनेगा अगर हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो स्विंग ट्रेड 0.5 लेवल पर अगर सपोर्ट लेती मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करती मार्केट, यहाँ पर क्लोज कैंडल होती,
अगर इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज होती है यहाँ पर ऊपर, तो हम लोग यहाँ तक के यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। ठीक है सर, तो अगर इसको दोबारा चेक करते हैं पिच साइड को कोई और जगह पर, ठीक है, तो सर हम लोग दोबारा चेक करेंगे, रिटेस्ट करके देखते हैं क्या क्या मिल रहा है हमें। किसी भी स्टॉक में आपको ऐसा कोई सिचुएशन मिलती है इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो सर, एक स्विंग लो है हमारा, स्विंग हाई है, हमने मार्क किया। अगर आप डिट टेस्ट, ये बैक टेस्ट कर रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्विंग लो टू स्विंग हाई हम लोग मार्क किया, तो एक लेवल फाइंड आउट हुआ हमारा ये वाला। अगर आप इस लेवल पे ये मार्क किया होता आपने, तो आप देख सकते हैं 0.5 के लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है। रेस्पेक्ट देने के बाद इस लेवल को और यहाँ पर रीटेस्ट भी किया है। जैसे ही रीटेस्ट किया आपने मार्केट ने किया और यहाँ पर कैंडल क्लोज किया ऊपर साइड, तो आप क्या करते हैं, आप एक ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे ही आप ट्रेड प्लान करते हैं इसके अंदर सर, आपको इतना लंबा रैली मिल सकती थी, आपका टारगेट ये वाला बनता है पहला, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो जाता बड़े आराम से। तो सर आप टारगेट छोटे छोटे लीजिए, मगर एक स्ट्रांग लेवल पे लीजिए, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है सर, तो सर आपको ये जो स्ट्रेटजी है फिबोनाची टूल की, वो आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।